तो नमस्कार विजय जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट व्हाट आई डू। अब बताइए क्या जानना चाहते हैं आप मेरे बारे में। सबसे पहले तो मैं आपकी इंस्पायरिंग जर्नी जानना चाहता हूँ। आज आप जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, डेफिनेटली उसके पीछे बहुत सा स्ट्रगल होगा, मोटिवेशनल पॉइंट्स होंगे जिससे आज की जनरेशन और आने वाली जनरेशन भी उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाना चाहता है, पढ़ना लिखना चाहता है, बट उसके पास सिर्फ मोबाइल है और टीचर्स नहीं है, तो उनके लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सब कुछ है भी तो वो क्वालिटी टीचर्स नहीं हैं आज के समय में, रिमोट जगहों में जहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बेस वहीं से बन के आता है। जी, तो देखिए थोड़ा सा मैं बोर करूंगा अपने बारे में बता करके। नहीं नहीं तो बोरिंग वाली बात नहीं है, वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैंने आपकी मैं प्रोफाइल भी देखा तो मुझे और इंटरेस्टिंग लगी, एक दो वीडियोस भी देखे मैंने आपको, सो इट्स अ रियली ग्रेट एंड आई रियली अप्रिशिएट। अब आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, डिटेल में बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं 2-4 मिनट लेता हूं। तो मैं मुख्यतः बिहार से हूं। बिहार में एक जगह है मासूमगंज, वो मेरा पैतृक गांव है। बचपन से पढ़ाई लिखाई करने के लिए और पापा मम्मी के रोजगार के लिए हम लोग भागलपुर में रहे थे। दैट वाज द नियरेस्ट बिगर सिटी फॉर एजुकेशन एवरीथिंग। तो वहां पे ही रह के मेरी पढ़ाई हुई है। 8 तक भागलपुर में पढ़ाई किया था। 9th-10th की पढ़ाई मैंने देवघर से की थी, आर्मित्रा हाई स्कूल। तो मैं कुछ बहुत बहुत तेज स्टूडेंट तो कभी था नहीं। मैं तो ऐसे बहुत ही चालू सा स्टूडेंट था। पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, धक्का धक्का खा के, मार खा के पढ़ाई करता था। मतलब 9th-10th के दौरान थोड़ा समझ आया कि मैं पढ़ाई करना, तो उसी क्रम में मैं भाग के अपनी मौसी के पास चला गया था, जो देवघर में रहती थी, उनके पास जाके मैंने पढ़ाई लिखाई की। फिर तो मेरी मेरी मौसी, मेरे भौसा जी, उनका काफी योगदान रहा मेरे करियर को बिल्ड करने में। तो वहां से ही था। फिर ग्रेट 9th-10th वहां से किया, आर्मित्रा से। तब तक थोड़ी अकल आ गई थी, पढ़ाई लिखाई करने लग गया था, लेकिन हिंदी मीडियम से पढ़ाई हुई पूरी पूरी। फिर 11th-10th भागलपुर TNV कॉलेज से किया था। अच्छा रैंक नंबर अच्छा आ गया था, तो वहाँ पर एडमिशन मिल गया था। लेकिन समस्या ये थी कि मैं पूरी पढ़ाई मेरी हिंदी मीडियम में हुई थी, तो मतलब फोर्स ऑफ बॉयंसी नहीं जानता था, उत्प्लावन बल जानता था। तो जब 12th कर लिया तो उसके बाद इंजीनियरिंग की तैयारी करनी थी, तो कोई भी बुक हो, चाहे रजनी खेडे हो या सी वर्मा हो, वो बुक इंग्लिश में आती थी। अब हिंदी वाला बच्चा इंग्लिश कैसे पढ़ेगा, तो वो समस्या हुई मेरे साथ में। तो वहाँ पे मुझे 1-2 साल लगा उसको मतलब हिंदी से इंग्लिश मूव करने में। जो माइंडसेट होता ना कि आप सवाल को इंग्लिश में पढ़ो, उसको इंग्लिश में जवाब दो, उसके लिए जो मेंटल रेडीनेस चाहिए होती है, उसमें काफी काफी टाइम गया एक्चुअली। तो फिर ठीक है, वो 1-2 साल लगा। उसके बाद फिर फाइनली मैंने इंजीनियरिंग कम्प्लीट किया। तो दो जगहों पे मेरा सिलेक्शन हुआ था, निफ्ट में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, विच इज एक्चुअली रांची। अभी अभी उसको NIAMT बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और दूसरा था बिहार स्टेट गवर्नमेंट में हुआ था। तो मैंने निफ्ट ज्वाइन किया, वहीं से 4 साल इंजीनियरिंग की। और उसके बाद फिर कैंपस के थ्रू जॉब लगा एक IT कंपनी में, फिर वहां से 6 महीने जॉब किया, फिर इन्फोस में ज्वाइन किया, और अभी इन्फोस में हूँ पिछले 23 साल से। उम्मीद करता हूँ आगे भी रहूंगा। तो आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ ऑन साइट प्रोग्राम मैनेजर। तो ये मतलब मेरे मेरे बारे में है। लेकिन कुल मुद्दा ये है कि हिंदी मीडियम टू इंग्लिश, विच मेक्स यू सेलेबल, विच मेक्स यू मोर नो एक्सपोज टू नो टू अ लार्जर वर्ल्ड, जहाँ पे की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है आपके लिए। तो दैट वॉज अ बिग ट्रांजिशन फॉर मी। तो जब इतने साल से नौकरी वोकरी कर रहा था, अभी अभी US में रहता हूँ, डालस में, यहीं पे सेटल हूँ अभी। तो मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो हाउ डू आई क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द किड्स फ्रॉम द सोसाइटी दैट आई हैव ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ। तो एक बार मैं अपने मित्र से बात कर रहा था, उसने कहा कि भाई देखो, अगर तुमको वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, तो पहले अवेयरनेस, लैंग्वेज का कम्फर्ट बिल्ड करो। एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। तो मैंने कुछ बच्चों को बुलाया कि भाई चलो इंग्लिश स्पीकिंग सिखाता हूँ। और शनिवार रविवार को मेरी क्लासेस होती थी, इसमें कुछ 25-50 बच्चे जुड़े, उनको मजा आने लग गया। फिर मुझे लगा चलो इंग्लिश तो सिखा दूंगा, हो सकता है कि 100 बच्चे, 200 बच्चे, 500 बच्चे सीखें, उसमें से 25 लोगों को नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ इंग्लिश सफिशियंट होगा क्या? मैं एक्स्ट्रा और क्या कर सकता हूँ? देन आई थॉट, ओके, व्हाट इज दैट आई एम रिलेवेंट टू? तो मुझे लगा कि भाई मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मुझे आता है,
तो मैं अगर बच्चों को वो बेस बनाता हूँ, अगर बच्चों को कॉन्सेप्ट लेवल पे रेडी करता हूँ, तो जब तक वो 11th 12th में पहुंचेंगे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा अगर, तो देन कैन एबल टू रिलेट एंड देन बी एबल टू प्रिपेयर वेल। तो फिर मैंने इंजीनियरिंग फाउंडेशन कोर्सेज स्टार्ट किया, तो अभी मैंने 6th से स्टार्ट किया है, तो 6th और 7th का मैंने साइंस और मैथ कंप्लीट कर दिया है। मैं यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको मैं यूज करता हूँ, तो वहाँ पे मैं अपने जो क्लासेस होते हैं जो बच्चे ज्वाइन करते हैं वो वहाँ से, मतलब वो तो ऑनलाइन कर सीखते हैं, और जो वीडियोस बनते हैं उस क्लासेस के रिकॉर्डेड उसको मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ ताकि बच्चे बाद में रिविजन कर पाए। और मुझे क्या फायदा होगा कि इसे अभी जैसे जैसे ऊंचे क्लासेस जाते जाऊंगा तो फिर मैं पीछे पीछे के क्लासेस का सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं कर पाऊंगा शायद से, तो करेक्ट करेक्ट, बच्चे वो वीडियोस को रियूज कर लेंगे, उसको देख लेंगे, उसके बाद कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेंगे। तो उससे मेरा वो, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट तो चलाता नहीं हूँ जहाँ पे कि हर साल बच्चे आएंगे उनको पढ़ाऊंगा, तो आइडिया है कि जो भी पढ़ाया गया है वो रियूजेबल हो जाए और उसको लोग यूज कर सकते। जैसे अभी 6th का आप देखेंगे मैथ, तो पूरा 6th का मैथ जो है 8 घंटे के वीडियो में कवर हो जाता है, मतलब अच्छा। अगर 8 घंटे सॉलिड बैठ गया अगर तो पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस कर लेगा तो 2 दिन में 6th क्लास का मैथ खत्म। और वो कॉन्सेप्ट लेवल पे हो सकता है मैं कुछ चीजें अच्छी नहीं पढ़ाता हूँ तो वो बच्चे दोबारा पूछ लेंगे भाई क्या करना है कैसे करना हाँ, है, डिफरेंट सोर्सेस हैं, जरूरी नहीं हर व्यक्ति हर चीज जानता हो, राइट। तो जितना जानता है वो शेयर करे। और आप सबसे अच्छी चीज ये है कि आप बेस बना रहे हैं, अगर बेस जी स्ट्रांग है तो फिर आगे इतनी परेशानी नहीं होती जितना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ी, कि जैसे कि आप, मेरे ख्याल से वो जनरेशन ऐसी थी इंक्लूडिंग मेरी भी जनरेशन, की जानता है वो शेयर करे। और आप सबसे अच्छी चीज ये है कि आप बेस बना रहे हैं, अगर बेस जी स्ट्रांग है तो फिर आगे इतनी परेशानी नहीं होती जितना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ी, कि जैसे कि आप, मेरे ख्याल से वो जनरेशन ऐसी थी इंक्लूडिंग मेरी भी जनरेशन की, उस समय 98% गांवों में शिक्षा जो होती थी वो हिंदी मीडियम से ही होती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जस्ट कंक्लूड करने के लिए बोल रहा हूँ कि मेरा प्लान ये है कि ये जो बच्चे हैं अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, मैं इस साल तक 8th तक का मैथ साइंस खत्म कर दूंगा, नेक्स्ट ईयर 9th 10th, और 2025 से फुल ब्लोन इंजीनियरिंग की तैयारी कराऊंगा, फिर वो रिपीट होगा, हर साल बच्चे आएंगे। तो जैसे मैं अगर पूछना चाहूँ कि व्हाट इंस्पायर्स यू, कि आप एक तो आपका पर आवर का जो मतलब इनकम है दैट इज ऑलरेडी मच मोर देन व्हाट वी एक्सपेक्ट, ठीक है, उसके बाद भी आप अपने टाइम को इस चीज के लिए, इस नोबल वर्क के लिए दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट है जिसके लिए आप पैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आप सोशल सर्विस के तौर पर इसको ले रहे हैं, बिल्कुल। विच यू नो सबके पास ज्ञान सबके पास होता है लेकिन सब बांटते नहीं है। हाँ, ये ऐसा ज्ञान है ना कि बांटने से बढ़ता है घटता नहीं है कभी भी, एग्जैक्टली exactly, बांटने से बढ़ता है। तो मेरा लालच है कि मेरा ज्ञान भी बढ़ रहा है साथ में, बच्चों को सिखा रहा हूँ मेरा भी बढ़ रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे जो ये लोग जो इस वीडियो को देखेंगे, जो स्टूडेंट, जो अभिभावक, गांव में बैठे हुए लोग जिनके पास सिर्फ मोबाइल है पर कोई और होप नहीं है जी, तो अगर मैं बात करूं कि उन लोगों को जो इंस्पायर करने का आप काम कर रहे हो, तो आपकी मतलब अगर आप जॉब करते हैं या यूएस की बात करें, यूएस में आपके क्वालिफिकेशन के व्यक्ति की, आपके एक्सपीरियंस जो इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस है, उसकी क्या सैलरी होगी जनरली पर आवर? अब ये तो खैर थोड़ा मुश्किल सवाल है, दो चीजें हैं इसमें। पहला तो है कि मेरा मेरा मोटिवेशन क्या है, या मैं अपनी सैलरी और मेरे क्वालिफिकेशन को मैं इसको रिलेट नहीं करता हूँ। पहला बात तो कि मेरा यहाँ पे कोई नहीं, मैं ये अभिभावकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कितना योग्य व्यक्ति आपके बच्चों के लिए अपना फ्री टाइम दे रहा है, कितना क्वालिटी टाइम दे रहा है। लोगों को ये समझ में नहीं आना चाहिए कि आप फ्री में ऐसे ही पढ़े हो और पढ़ा रहे हो, लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि आपका पैशन है एंड दिस इज द वे यू फाइंड कि ये समाज सेवा मैं इस रास्ते से भी कर सकता हूँ, अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स की इस तरह से सेवा कर सकता हूँ नेक्स्ट जनरेशन की। तो अगर जैसे मैं बात करूँ तो $100 $200 पर आवर्स के हिसाब से, तो कुल मिला के मैं ये अपने हिंदुस्तानी भाइयों को बताना चाहता हूँ कि ये वीरेंद्र जी यूएस में बैठे हुए हैं और लगभग 10 से 10 कम से कम तो 10 से 20 हजार रुपए ये पर घंटे कमा सकते हैं,
जो इस काम के लिए ये दे रहे हैं, इतनी स्किल इनके अंदर है और इतनी रिक्वायरमेंट है पूरे दुनिया में, उसके जी बावजूद ये बच्चों को, गरीब बच्चों को टाइम दे रहे हैं, ये दिस इज अ वेरी गुड एंड वेरी ग्रेट थिंग। बहुत से लोगों को ऐसे नोबल काम के लिए आना चाहिए ताकि देश में और आसपास के जो क्षेत्र हैं जिनको जो प्रिविलेज्ड नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, उनको अपॉर्चुनिटी मिले और वो अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाए और उस चीज को, ये जो चेन है सोशल सर्विस की, उसको कंटिन्यू कर सके। जी तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, मैं फी, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि फी क्या है, तो मैं बोला फी मेरा ये है कि जब आप अपने पैर पे खड़े हो जाओगे तो आप अपने जैसे एक बच्चे को, दो बच्चे को पढ़ाना, वही मेरा फी होगा। तो मेरा फी भी डिफाइंड है कि भाई जो बच्चा पढ़ के अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा वो किसी और बच्चे को पढ़ा देगा, मुझे मेरा फी मिल गया। हाँ, वही मैंने आपसे ये चीज पूछा था, क्योंकि देखिए क्या है ना, जब तक हम हर चीज क्लियर नहीं करेंगे लोगों के मन में डाउट रहेगा। मैं देखता हूँ सोशल सर्विस एक ऐसी चीज है कि अगर आप निस्वार्थ भी करना चाहो तो लोग आपके ऊपर डाउट करते हैं कि इसका क्या फायदा है, ये क्यों कर रहा है। मेरे साथ भी यही चीज होती है, मैं जर्नलिज्म फ्री ऑफ मतलब जर्नलिज्म को एज अ समाज सेवा लेता हूँ, तो लोग सोचते हैं इसका क्या फायदा है, कुछ तो फायदा होगा। जी कोई मुद्दा उठाता हूं तो लोगों को लगता है क्या फायदा है इसको, ये नहीं देखते कि ये व्यक्ति 15 से 20 हज़ार रुपए घंटे कमा सकता है और चार चार दिन पांच पांच दिन ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है, तो इसको क्या मिलता है उससे। तो देखिए सर, इसमें लालच ये है कि बोलते हैं कर्मा एक चीज होती है ना, जो भी अच्छे काम बुरे काम करते हैं उसका फल खुद ही भोगना पड़ता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि चलो अगर कुछ अच्छा कर्म किया तो उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ भगवान दे ही देंगे, ऊपर वाले भगवान दे का दे ही रहे आशीर्वाद मिल जाएगा बस। भगवान दे भी रहे हैं और देते रहेंगे। तो जी जैसे मैं अगर सवाल पूछूं, आपकी क्लासेस जो चल रही हैं, एक तो ये माध्यम है कि हम आपके वीडियोज की लिंक शेयर कर दें और लोग जो भी रिकॉर्डेड वीडियोज हैं वो देखें, जी हालांकि उसमें इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, कुछ जी सवाल है तो नहीं हो पाएगा, तो आपसे जुड़ने के लिए इस वीडियो में हम कहीं ना कहीं आपका कॉन्टेक्ट नंबर प्लस आपके ग्रुप की लिंक, जिस ग्रुप में आप जोड़ सके नए बच्चों को, या आपका कांटेक्ट नंबर जिससे वो लोग व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकें जी और आगे की बात कर सकें कि किस तरह से आपसे जुड़ के शिक्षा के क्षेत्र में गांव, दूर गांवों में बैठे हुए बच्चे जिनको शिक्षा का उतना बढ़िया एक्सेस नहीं है, उतना बेटर लेवल का एक्सेस नहीं है, वो जी यूएस जैसी लेवल की एजुकेशन पा सकें। तो दो चीजें हैं, मतलब मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ में, वो सभी लोगों के बीच आप सर्कुलेट कर सकते हैं। बट जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहे या कोई अभिभावक है जो जानना चाहे कि भाई क्या होगा कैसे होगा, वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, फिर मैं उनको जिस कक्षा में जाना चाहे, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में जाना चाहे या इंजीनियरिंग फाउंडेशन में जाना चाहे, मुझे मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे, मैं उसको अपने स्टूडेंट वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और वो स्टूडेंट ग्रुप में हर एक वीक जो क्लास होता है, ऑनलाइन क्लास जो होता है जहाँ बच्चे इंटरेक्टिव तौर पर सीखते हैं, पूछते हैं, जवाब देते हैं, वो उस क्लासेस को ज्वाइन किया करेंगे। शनिवार रविवार को क्लासेस होती है, इंडिया के टाइम के हिसाब से शाम के 5 से लेके 7:30 के बीच में। तो तो अभी आप जैसे आप मान लीजिए आपकी अगर कोई बच्चा इंग्लिश क्लास ज्वाइन करता है, तो जी क्या मतलब मिनिमम क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चे की इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि इतने नहीं, मतलब मेरा टाइम कोई क्या आपके इन्वेस्ट कर आपके देगा। टाइम का सदुपयोग करें अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ में ऐसा कुछ अचीव करें कि आप भी गर्व से बोलो कि आपने इनको पढ़ाया है और वो भी गर्व से बोले कि हाँ मैंने जी जीवन में कुछ अचीव किया है, तो उसके पीछे आप हैं। जी और कोई मेरा टाइम कोई वेस्ट नहीं कर पाएगा सर, क्योंकि मैं जो एक घंटे क्लास करता हूँ, अब तो सामने वाले के ऊपर है, जैसे होता है ना कि पानी का नल चल रहा है, आप कितना पानी पी रहे हो आपके ऊपर है, करेक्ट 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 नहीं तो करेक्ट पानी बह जाएगा वो आपका नुकसान है, आप प्यासे रह जाओगे, पानी का नुकसान बता ही रहेगा। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है आपने, इसीलिए शिक्षक का होना समाज में बहुत जरूरी है। हाँ वही है, मतलब अभी जैसे मेरे क्लास में ना बच्चे भी हैं, कुछ औरतें भी हैं, कुछ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी हैं जो लोग करियर के लिए मतलब आगे की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू फेस करते हैं, तो मैं उनको बुला के इंग्लिश बोलने सिखाता हूँ, उनको मॉक इंटरव्यू भी कराता हूँ ताकि अगर कुछ जानना चाहे तो पूछ सके कि भाई हाँ इंटरव्यू में क्या कैसे प्रिपेयर करना होता है, मेरा ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए, मेरा एम्बियंस कैसा होना चाहिए, मुझे कैसा एक्सप्रेशन लेके जाना चाहिए, मुझे अपना एटीट्यूड कैसे रखना है, स्माइलिंग फेस होना जरूरी है क्यों जरूरी है,
और आपके क्या क्या स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। देखिए इंटरव्यू जो है ना, इट्स लाइक अ मैच मेकिंग प्रोसेस। शादी ब्याह होता है ना कि एक लड़का है एक लड़की है, दोनों के बीच में सामंजस्य बन सकता है कि नहीं तो उससे शादी होती है। तो इंटरव्यू भी जो होता है वो भी ये होता है कि भाई जो इंटरव्यूअर है उसकी कोई जरूरत है और इंटरव्यू ही जो है उसकी भी कोई जरूरत है। उसका मैच मेकिंग हो गया तो वहां पे ब्याह हो गया, मतलब उसको नौकरी मिल जाएगी। सिलेक्शन हो गया। तो मैं यहाँ पे उस डर को, उस भय को निकालने की कोशिश करता हूँ कि भाई आप सिर्फ बोलने की काबिलियत बनाओ और अपने अंदर वो विश्वास जगाओ कि भाई मैं कर सकता हूँ, मेरे में क्या कमी है। उसके बाद तो फिर मतलब सबकी अपनी अपनी क्या बोलते हैं योग्यता के हिसाब से जुगाड़ हो जाता है। आपने एकदम सही बोला है। समस्या तब होती है जब ये किसी बहुत एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जी और मैं भी आग्रह करूंगा लोगों से, जब ये वीडियो पोस्ट होगा और सोशल मीडिया में शेयर होगा तो मैं ये कोशिश करूंगा कि लोग जरूर ट्राई करें और टाइम पास करने वाले लोग जुड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपका टाइम इतना वो नहीं है। जो सीरियस स्टूडेंट हैं, जो सीरियस अभिभावक हैं, अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, वो आपसे जुड़े और आपके इस क्वालिटी टाइम को, आपके इस नॉलेज का जो आपने वर्षों की मेहनत से कमाया है, उसका भरपूर सदुपयोग करें। जी। और मैं जो इंग्लिश स्पीकिंग वाले क्लास में जो बच्चे भी आते हैं ना, उसमें ऐसा भी नहीं है कि बच्चे हों या बड़े हों, जो भी, उनको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ कि आप डेली आपको अपने लिए 15 मिनट या 20 मिनट निकालना है, उसमें ही आप इंग्लिश सीख जाओगे। क्योंकि इंग्लिश सबसे सरल भाषा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदी और इंग्लिश में कुछ कंपेरिजन है, करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश का एक दूसरा उद्देश्य है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, दोनों में कंपेयर नहीं करना है, दोनों के पीछे लड़ाई भी नहीं करानी है। जरूरत भी नहीं है। दिस इज जस्ट लैंग्वेज इज जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। सो करेक्ट, आप क्या बोल रहे हैं सामने वाले को समझ में आता है तो दैट इज मोर देन इनफ। राइट। और अपना अपना स्वार्थ ये है कि आप इंग्लिश हम सीख रहे हैं इसलिए कि हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए अपॉर्चुनिटी। बढ़े। जी, तो एग्जैक्टली ये हमारे एग्जैक्टली स्वार्थ के लिए, किसी को किसी किसी के को प्रूव करने के लिए नहीं है। ये दिस जस्ट एग्जैक्टली सेल्फिश इंटेंट टू लर्न समथिंग टू मेक योरसेल्फ मोर एम्प्लॉयबल। एग्जैक्टली मोर मोर एम्प्लॉयबल, मोर कॉन्फिडेंट। करेक्ट, सो दैट्स वेरी गुड। इट इज रियली वेरी नाइस टू नो अबाउट यू एंड आई विल रियली एक्सपेक्ट दैट पीपल विल ज्वाइन एंड टेक द एडवांटेज ऑफ योर क्लासेस। एंड इवन आई विल ट्राई, आई वुड लव टू ज्वाइन सम ऑफ द क्लासेस एंड शेयर माई एक्सपीरियंस, आस्क माई ओन क्वेश्चंस टू गेट द बिल्कुल आंसर्स फ्रॉम यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई मीन हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ एनी इनिशिएटिव व्हिच हेल्प्स अस टुगेदर टू नो टू गो टू लार्जर सेट ऑफ पीपल एंड एंड सी व्हाट वी कैन ऑफर बैक टू द सोसाइटी दैट वी हैव बीन पार्ट ऑफ। Exactly, exactly, and that is the more important thing, and that is the main aim of the worth of a human being. That is the basic difference between a human and others. वेरी ट्रू। तो सर So सबसे मैं यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को भेजिए, किसी से मैं कोई पैसे नहीं लूंगा। अगर देखिए, हो सकता है मैं बहुत अच्छा टीचर नहीं हूँ, किसी बच्चे को मजा नहीं आएगा मेरे तरीके से, तो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान किसी को नहीं होने दूंगा। कोई और ऑब्लिगेशन नहीं है। जी, एक और चीज ये है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो काफी मेधावी होंगे बट उनके पास साधन नहीं होंगे, तो ऐसे कुछ सिलेक्टेड बच्चे जो होंगे उनके माता पिता चाहे तो मुझसे बात कर लें। मैं मेरे से मेरे सामर्थ्य के हिसाब से जो कुछ भी होगा मैं उनको, देखिए बच्चों को पढ़ने के लिए मुझे है कि एक एक मोबाइल फोन होना चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो इतना तो मैं मतलब ऊपर वाले की कृपा से इतना सामर्थ्य है कि ये कर पाऊंगा। अगर ऐसा एक दो बच्चा भी हुआ जिसको जरूरत है और वो चाहता है कि मैं अपने लिए कुछ करना चाहता है और हमारी मदद से कुछ हो पाए, तो मैं खुशी खुशी करना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो आप खुद भी हेल्प करने के लिए तैयार हो कि कोई, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ये स्थिति है जो आप बता रहे हो। पता नहीं आपने अभी तक के अपने इसमें जो आप कर रहे हैं नोबल वर्क, इसमें आपने इनकाउंटर किया कि नहीं, पर मैंने अपनी रिपोर्टिंग की जर्नी में ये मैंने देखा है कि ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, खासकर मेरे मध्य प्रदेश में मिलेंगे, जिनके पास मोबाइल तक नहीं है। और अगर ऑब्वियसली हर हर व्यक्ति को ये चीज नहीं दिया जा सकता, मिसयूज भी लोग करते हैं कि मेरे पास नहीं है, बट जी आई विल क्रॉस चेक एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल टू स्प्रेड द पॉजिटिविटी जी टू गेट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स टू
टेक अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम यू। जैसा कि आपने कहा पानी तो बह रहा है, तो जी, आप मैं जितना ग्लास लेके घूमिए, जितना भरना है भर लीजिए। हाँ, मुझे 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 न्योता देना पड़ेगा, आ जाओ पानी है। हाँ, पानी है, पानी तो है। वेरी गुड वेरी गुड। एंड आई रियली सल्यूट टू सोल्स लाइक योर्स। एक्चुअली ये सबके ना तो दिमाग में आता है और ना लोग विलिंगनेस करते हैं कि थोड़ा दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा काम कर दिया जाए। सो आई रियली सल्यूट यू अरे एंड नहीं सर, बस मदद करते रहिए, सपोर्ट मदद योर मिलेगी। नॉबल और सल्यूट मिशन। ऐसा कुछ नहीं है सर, छोटी सी पहल है, ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज्यादा दूर तक।